इस लेक्चर में हम लोग टू कैविटी कैलेस्ट्रॉन एम्पलीफायर को समझेंगे कैलेस्ट्रॉन एम्पलीफायर एक टाइप का डिवाइस होता है जिसका यूज माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी और रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए किया जाता है दैट रीच हाई स्टेज ऑफ पावर गेन बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ट्यूब एज वेल एज द इलेक्ट्रॉन बंचिंग कॉन्सेप्ट कैलेस्ट्रॉन एम्पलीफायर ग्लास ट्यूब से मिलकर कंसिस्ट होता है जिसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है ग्लास ट्यूब माइक्रोवेव पावर फ्रिक्वेंसी को एम्प्लीफाई करता है एज वेल एज सिग्नल जनरेटर की तरह बिहेव करता है इसको कैविटी बोलते हैं जो कि फ्रिक्वेंसी सिग्नल सप्लाई करता है और वी कैन से आर एफ सिग्नल सप्लाई करता है इस स्ट्रक्चर में दो कैविटी का यूज करेंगे इसलिए इसको टू कैविटी कैलेस्ट्रॉन एम्पलीफायर बोलते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन है जिसका मेन पर्पस होता है इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करना एंड जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स ट्यूब में फ्लो करता है एंड हियर इट इज कलेक्टर जो कि एज एन एनोड वर्क करता है ग्लास ट्यूब के मिडल में दो बंचर अटैच रहता है जो कि इलेक्ट्रॉन को बंच करता है यहाँ पे बंचिंग का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को गेदर करता है और वी कैन से इलेक्ट्रॉन्स को एक ग्रुप में जमा करना और वी कैन से बंचिंग इज द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन बंचर के इस पोर्शन को और ट्यूब गैप को गैप ए बंचर बोलते हैं जबकि इस पोर्शन को गैप बी कैचर बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स आता है तो इस पोर्शन पर कलेक्ट होता है कैच होता है इसलिए इस ट्यूब गैप को कैचर बोला जाता है एंड इन दोनों कैविटीज के बीच जो डिस्टेंस रहता है उसको ड्रिफ्ट स्पेस बोलते हैं माइक्रोवेव रेडियो फ्रिक्वेंसी को फर्स्ट कैविटी से एंटर करते हैं और सप्लाई करते हैं जिसको एम्प्लीफाई करना होता है सिस्टम को ऑपरेट कराने के लिए सिस्टम को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं इसमें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से कनेक्ट रहता है एंड निगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन गन से कनेक्ट रहता है सो ड्यू टू डीसी सप्लाई इलेक्ट्रॉन गन एक्टिवेट होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स जेनरेट करता है एंड जनरेट इलेक्ट्रॉन्स गैप ए बंचर में फ्लो करता है गैप ए में जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसको लेटर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और लेट इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है एंड एज़ वेल एज़ इसी टाइम कैविटी वन में आर एफ सिग्नल सप्लाई होती है दैट इज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल सो जो यहाँ पे बंचर होता है वो लेटर इलेक्ट्रॉन को बंच करता है मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में फ़्लो करने के लिए अलाउ करता है इन अ ग्रुप एंड जो लेटर इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट स्पेस में जाता है जब इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट स्पेस में जाता है तो उसको रिफ्रेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं इसके बाद जब रिफ्रेंस इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप बी कैचर में जाता है तो उस टाइम एक्साइट ऑसिलेशंस जनरेट होता है एंड कैविटी टू पर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव एज आउटपुट मिलता है जिसको स्पेस में सेंड करते हैं इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो कलेक्टर की ओर फ्लो करता है इस टाइम गैप बी में जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है अर्ली और अर्लियर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं इस तरह बंचर लेटर इलेक्ट्रॉन्स एंड रिफ्रेंस इलेक्ट्रॉन्स को बंच करता है एंड कैविटी वन पर रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटर होती है एंड कैविटी टू पर रेडियो फ्रीक्वेंसी डिजायर रेंज आउटपुट मिलता है नाउ इसके एप्पल गेट डायग्राम को समझते हैं जो कि लेटर इलेक्ट्रॉन्स रिफ्रेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड अर्ली इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को शो करेगा यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव का पॉजिटिव एंड निगेटिव साइकिल है तो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव है वो अल्टरनेट फॉर्म में होता है उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल को दिखाया गया सो इन पॉजिटिव हाफ साइकिल इट इज़ लेटर इलेक्ट्रॉन्स इस टाइम इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बहरी करती है इस टाइम लेटर इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है एंड इस पॉइंट को ड्रिफ्ट पॉइंट भी बोलते हैं सो इस पॉइंट पर जो रिफ्रेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रजेंट रहता है इस टाइम पर इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यूसिटी जो है वो इक्वल रहता है एंड निगेटिव हाफ साइकिल में अर्लियर इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया गया है इस टाइम इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो कम होती है एंड यहाँ पर जो गैप है वो टू कैविटी के बीच का डिस्टेंस है जिसको ड्रिफ्ट स्पेस बोलते हैं एंड ड्रिफ्ट स्पेस में ही इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी वेरी करता है टू कैविटी कैलेस्ट्रॉन का एक और टाइप होता है दैट इज़ रिफ्लेक्स कैलेस्ट्रॉन एम्पलीफायर रिफ्लेक्स कैलेस्ट्रॉन एम्पलीफायर इज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट सटन इसलिए इस कैलेस्ट्रोन एम्पलीफायर को सर्टन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है जो कि एक लो पावर ट्यूब होता है एज एन ओसीलेटर वर्क करता है दिस एम्पलीफायर इज मेनली यूज एज एन ओसीलेटर विद इन अ मोड्यूलेटर और रडार रिसीवर एज वेल एज माइक्रोवेव ट्रांसमीटर्स जब भी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैविटी के थ्रू फ्लो करती है तो उसको वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड बोलते हैं द इलेक्ट्रॉन बंचेज असेंबलिंग टैक्स प्लेस इन द फ्लो स्पेस अमंग the cavity as well as reflector. कैलेस्ट्रॉन amplifiers applications. इसका यूज सेटेलाइट्स में किया जाता है इस टाइप के एम्पलीफायर का यूज हाई एनर्जी फिजिक्स में किया जाता है वाइड बैंड हाई पावर कम्युनिकेशन में इस टाइप के एम्पलीफायर का यूज़ किया जाता है इसका यूज रडार सिस्टम में किया जाता है इसका यूज मेडिकल एंड प्रैक्टिकल एक्सीटर्स में किया जाता है एट प्रेजेंट जीआरसी आर दैट इज ग्लोबल रिसोर्स कार्पोरेशन जो है वो इन एम्पलीफायर्स का यूटिलाइजेशन जो है वो हाइड्रोकार्बन कन्वर्जन में कर रहा है जो वेस्ट मटेरियल्स रहता है वेस्ट ऑफ ऑटोमेटिव कोल डीजल फ्यूल ऑयल सेल्स एक्सेट्रा इनका यूज हाइड्रोकार्बन कन्वर्जन में कर रहा है यूजिंग दिज एम्पलीफायर्स कैलेस्ट्रॉन एम्पलीफायर्स जो रहता है वो सुपीरियर आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है ऑफ माइक्रोवेव पावर कंपेयर विथ गन डायोड विच आर नेम्ड एज सोलिड स्टेट माइक्रोवेव डिवाइस जनरली इस टाइप के एम्पलीफायर्स का यूज़ वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर आउटपुट रेंजेस जो है विल बी 50 मेगावाट एज वेल एज 50 किलोवाट एट 2800 एट हंड्रेड मेगा सो दे आर यूज फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ मेगा टू हंड्रेड्स ऑफ गीगा हर्ट्स रडार सिस्टम में जो कैलेस्ट्रोन एम्पलीफायर है उसका आउटपुट पावर उसका आउटपुट रेंज ये होता है डिफरेंसेज बिटवीन टू कैविटी कैलेस्ट्रोन एंड रिफ्लेक्स कैलेस्ट्रोन, इंक्लूडिंग द फॉलोइंग द टू कैविटी कैलेस्ट्रोन इज द सिंपलेस्ट कैलेस्ट्रोन ट्यूब टू कैविटी कैलेस्ट्रोन जो है वो सिंपल ग्लास ट्यूब होता है इसमें दो माइक्रोवेव कैविटी अटैच रहता है दैट इज बंचर एंड कैचर बंचर कैविटी इलेक्ट्रॉन्स को बंच करता है एंड कैचर कैविटी बंचड इलेक्ट्रॉन को कैच करता है टू कैविटी कैलेस्ट्रॉन एम्पलीफायर का यूज एज एन एम्पलीफायर किया जा सकता है वाइल रिफ्लेक्स कैलेस्ट्रॉन एक सिंगल कैविटी ऑपरेटर्स होता है रिफ्लेक्स कैलेस्ट्रॉन को एज एन ओसीलेटर यूटिलाइज करते हैं इस टाइप का कैलेस्ट्रॉन रिफ्लेक्स वर्ड से स्टार्ट होता है ड्यू टू इट्स रिफ्लेक्स एक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स दिस कैलेस्ट्रॉन इज टोटली डिसिमिलर फ्रॉम कैविटी कैलेस्ट्रॉन बिकॉज इट हैज़ अ सिंगल कैविटी एंड यूज फॉर मॉड्यूलेशन अदरवाइज डी मोड्यूलेशन इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप ईजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुँच सकें